वो चिड़िया जो कंठ खोल बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती थी, वह छोटी मोह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यह हमने कल देखा था कि चिड़िया कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के लिए एकांत में मधुर स्वर से गाना चाहती है। वो रस उंडेल कर गाना चाहती है, मतलब कंठ खोलकर गाना चाहती है, मीठे स्वर से गाना चाहती है। वो छोटी मुंह बोली चिड़िया नीली पंखों वाली हूँ, सब उसको कैसे बोलते हैं, मुंह बोली और नीले पंखों वाली चिड़िया बोलते हैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ विजन का मतलब होता है एकांत, उसको पूरे जंगल में एकांत कर एकांत में गाने के लिए बहुत चिड़िया है, बहुत ही संतोषी है, उसे जितना मिला उतना संतोष है। नेक्स्ट स्टैंजा, वह चिड़िया जो हम देख सकते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, मतलब नदी है, नदी के अंदर पानी है, उसका दिल टटोलना है, मतलब उसे पूछती है कि मैं आपसे पानी की बूंदें लूँ या पानी पीऊँ, जल का मोती ले लेती है अपनी चोंच से, बहुत ही अच्छा जल का मोती ले लेती है, जल को मोती की उपमा दी गई है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, वह छोटी थी पर बहुत ही गर्बीली थी, गर्बीली मतलब उसे खुद पर बहुत ही विश्वास था, अभिमान था, गर्व। वह छोटी गर्बीली चिड़िया मतलब उसको अपने पे बहुत ही हम बोल सकते कि अभिमान था और उसको अपने पे गर्व भी मान सकते हैं। नीले पंखों वाली हूँ मैं, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कौन बोल रही है? नीले पंखों वाली चिड़िया बोल रही है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह छोटी सी चिड़िया चोंच मारकर नदी में नदी का दिल टटोलना, मतलब नदी से पूछती है क्या मैं आपसे क्या करती हूँ, पानी पी सकती हूँ क्या, मतलब जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, गर्बीली मतलब गर्व करने वाली, अपने पर वो बहुत ही गर्व करती है। वह नीले पंखों वाली हूँ मैं, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। प्रस्तुत कविता में हम देख सकते हैं कि कवि केदारनाथ जी हमें कहते हैं कि नीले पंखों वाली ये चिड़िया अपने नीले पंखों वाली चिड़िया के द्वारा कवि अपने भाव व्यक्त करते, हमारे अंदर संतोषी बनने की भावना प्रकट करते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी जितना मिले उतने में हमें संतोष मानना चाहिए, हर परिस्थिति में हमें खुश रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, या फिर जैसी भी परिस्थिति हो वैसे हमें ढल जाना चाहिए। हम देख सकते कि चोंच मारकर वो क्या करती है कि झुंडी के दाने खाती है और फिर वो देख सकते हैं कि उसको संतोषी चिड़िया थी, वह बहुत ही दूध भरे झुंडी के दाने बहुत चाव से खाती थी, जो भी मिलता था उसको उसमें वो बहुत ही खुश थी, उसे अन्य से बहुत प्यार था, वो एक साहसी और स्वयं पर गर्व करने वाली चिड़िया थी, उसे साहस करना बहुत अच्छा लगता था, स्वयं पर उसे बहुत गर्व था। इस तरह केदारनाथ जी इस कविता में हमें चिड़िया के बारे में, नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में हमें मोरल में जीवन में साहस करना जरूरी है, संतोषी होना जरूरी है और ऐसा कार्य करो कि आप खुद पर गर्व अनुभव कर सकते हो। तो वह चिड़िया जो इस कविता के माध्यम से कवि अपने मन के भाव को प्रकट करता है। धन्यवाद।